आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी है प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन और स्टोरेज की वैकेंसी है, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। इसकी सारी जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रूप से मैं आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं फ्रेंड आपकी जो निकली है वैकेंसी जो कि PPQS की, उसके ऑप्शन नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो 8 पेज का नोटिफिकेशन है जो आप दे सकते हैं। डेट आपका 25/8/2023 को आया था। वैकेंसी सर्कुलर यहाँ पर दे सकते हैं, वॉक इंटरव्यू टू हेल्ड आ पोस्ट सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO और टेक्निकल ऑफिसर TO डायरेक्ट प्लांट प्रोटीन ऑपरेटर सॉरी प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद। इनिशियली आपका 6 मंथ का रहेगा पर शेड्यूल गिवन। यहाँ पे देख सकते हैं रीजनल सेंट्रल आपका इंटीग्रेटेड आपका पेस्ट मैनेजमेंट सेंट्रल फरीदाबाद हरियाणा 11/9/2023 10 बजे तक। यहाँ पे आपका देख सकते हैं रीजन प्लांट क्वारंटाइन आपका स्टेशन चेन्नई 13/9/2023 10 बजे तक। रीजन प्लांट क्वारंटीन आपका स्टेशन कोलकाता 15/9/2023 10 बजे तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस वर्क आपका अपॉइंटमेंट ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि सेल भी एज पर द शेड्यूल आपके जो एडवर्टाइज में दे रखा है। द एप्लीकेशन परफॉर्मा विल बी गिविन, यहाँ पे आपको NX2 में दे रखा है आपका ऑफलाइन फॉर्म जो कि आपका डिजेरियस कैंडिडेट सेल ब्रिंग द ड्यूली कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो अपना जो फॉर्म है उसको कम्प्लीट फिल करके लाएँ ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस आदि। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एलिजिबल कैंडिडेट रिपोर्ट आपका वेन्यू टाइम पे आप दें। यहाँ पे आपका आपका टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी हैं आपके सीनियर टेक्निकल की 5 और टेक्निकल ऑफिसर की आपकी 21 है, टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं STO की केमिस्ट्री डॉक्टरेट डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डॉक्टरेट डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रुकनाई आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, एंटोमोलॉजी डॉक्टरेट डिग्री एंटोमोलॉजी या नेमेटोलॉजी या डॉक्टरेट डिग्री एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी या नेमेटोलॉजी या डॉक्टरेट डिग्री इन जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन एंटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट आपका पैथोलॉजी में यहाँ पे डॉक्टरेट डिग्री प्लांट पैथोलॉजी या डॉक्टरेट डिग्री एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी में। वीड साइंस की यहाँ पे बात करें पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट डिग्री एग्रीकल्चर से TO केमिस्ट्री MS आपके डिग्री इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या विद आपका स्पेशलाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंटोलॉजी MSc डिग्री इन एंटोलॉजी या नेमेटोलॉजी या MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी या नेमेटोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी MSc डिग्री इन प्लांट पैथोलॉजी या MSc डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी या MSc वीड साइंस MSc एग्रीकल्चर या MSc आपका डिग्री इन बॉटनी से। यहाँ पे आपका इमोल्यूमेंट दे सकते हैं STO की या टेक्निकल ऑफिसर 53,000 है पर मंथ है, आपका टेक्निकल ऑफिसर 37,000 है। ठीक है, बाकी आपके इनकम टैक्स के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। आपका सीनियर टेक्निकल की आयु दे रखी 40 फॉर मेल कैंडिडेट 45 फॉर फीमेल। ठीक है, आपके इसी तरीके TO की 35 और 40 फॉर फीमेल। SC ST का 5 साल का रिलेक्शन टर्म ऑफ कंडीशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन और इंगेजमेंट STO और TO कैन बी डिसकंटिन्यू ओइंग द एडमिनिस्ट्रेशन रीजन एनी टाइम या इशू 1 मंथ नोटिस या 1 मंथ एमोलमेंट लीव आपका देर द STO TO मे बी लीव द असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे लीव के बारे में दे रखा है, अदर टर्म ऑफ कंडीशन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हो वैकेंसी के बारे में आपका क्वारी के रिलेटेड आप इनसे लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं नोडल ऑफिसर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ इंटरव्यू के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं STO TO चॉइस ऑफ प्लेस आप यहाँ पे अपना बता दीजिएगा, फुल नेम फादर या हस्बैंड नेम मेल फीमेल हैं अपनी फ़ोटो एज आपकी अपडेट ऑफ इंटरव्यू के समय वेदर एज आपका SC ST बिलोंग टू सिग्नेचर मैरिटल स्टेटस मोबाइल नंबर ईमेल ID कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस पिन कोड आपका डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें आपका हाई स्कूल 12th और बैचलर डिग्री आपका मास्टर डिग्री डॉक्टरेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या आते हैं इसमें बताएंगे, बोर्ड किस बोर्ड से किया है यूनिवर्सिटी से किया है, ईयर ऑफ पासिंग
आपका ड्यूरेशन कोर्स कितना है, मैक्सिमम मार्क कितने मिले थे, ऑप्टेंट कितने प्राप्त हुए हैं और मार्क्स जीपीए यदि वो ठीक है, आर यू क्वालिफाइड नेट जीआरएफ तो यस या नो करके, यदि यस है तो उसके बारे में डिटेल आपने किससे किया है, क्रॉनिकल आपका लिस्ट एक्सपीरियंस, आपका डेजिग्नेशन नेम ऑफ एम्प्लॉई, आपने कब से कब तक किया है काम, नंबर ऑफ मंथ और ईयर, यहाँ पे पब्लिकेशन आपका है, यदि कोई जर्नल में छपा है या चैप्टर आपका चैप्टर पब्लिश हुआ है बुक में या बुक पब्लिश हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यदि है तो प्लेस आपने कहाँ से करे, डेट प्लेस और नेम ऑफ सिग्नेचर और एप्लीकेशन के, इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना है। तो फ्रेंड ये थी आपकी निकली प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन स्टोरेज में निकली वैकेंसी के बारे में जानकारी और अपडेट दी। आई होप जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो देखने धन्यवाद।